हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल में हमारे आप सभी प्रिय श्रोतागणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। प्रिय साथियों, आपसे बात करेंगे आपके दैनिक राशिफल को लेकर के और आपको पंचांग की भी जानकारी देंगे। साथ ही आपको बताना चाहेंगे कि ये पंचांग और आपका दैनिक राशिफल दोनों दिनांक 15 सितंबर सन 2022 दिन बृहस्पतिवार यानी गुरुवार संवत 2079 का है। हिंदी का महीना आश्विन चल रहा है यानी कि आश्विन मास, और पक्ष है कृष्ण पक्ष और तिथि होगी आज पंचमी। नक्षत्र रहेगा आज भरणी, योग होगा हर्षण, करण होगा आज तैतिल और राशि रहेगी मेष। लेकिन चंद्रमा आज दोपहर 2:29 पर अपनी उच्च राशि वृषभ में करेंगे प्रवेश। राहु काल की समय अवधि इस प्रकार से रहेगी, दोपहर 1:54 से लेकर शाम 3:26 तक। और अभिजीत मुहूर्त की शुभ समय अवधि इस प्रकार से रहेगी, प्रातः 11:58 से लेकर दोपहर 12:46 तक। आज साथियों षष्ठी तिथि का भी श्राद्ध है। तो ये थी जानकारी पंचांग के विषय में। अब आपके साथ बात करेंगे आपके दैनिक राशिफल को लेकर के, जो कि पूर्ण रूप से ग्रह गोचर की वर्तमान स्थिति पर बेस्ड है। और आरंभ करेंगे मेष राशि से। मेष राशि यानी कि एरीज साइन। साथियों, आपको कहना चाहेंगे कि आज का जो दिन है आपका, ये आपका जो जुनून है अपने काम के प्रति, यानी कि काम करने के जो भी आपसे जुड़े हुए कार्य हैं उनके प्रति जो आपके अंदर एक एक्साइटमेंट है, उसके कारण आप और अधिक एनर्जेटिक अपने आप को फील करेंगे। आपको ऐसा महसूस होगा कि एक्स्ट्रा एनर्जी आपके अंदर कहीं से आ रही है। घरेलू मोर्चों पर भी कुछ बदलाव की संभावना से इनकार आज नहीं किया जा सकता है। और आज के दिन आपकी आय में भी वृद्धि होने के अच्छे संकेत हैं। अपने आप को फिट रखने के लिए नियमित रूप से अगर व्यायाम आदि करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। उपाय आप कर सकते हैं, आज किसी सपेरे को सांप को दूध पिलाने के लिए पैसे दे सकते हैं अपनी जेब से। ये उपाय जो है आपके रोजगार या व्यापार के लिए बहुत ही उन्नति दिलाने वाला उपाय रहेगा। शुभ अंक आपके लिए है आज 7 और शुभ रंग आपके लिए है आज सुनहरा। वृषभ राशि यानी कि टॉरस साइन। साथियों, घरेलू मोर्चे पर कोई भी बदलाव से संबंधित कोई प्लानिंग अगर आप कर रहे हैं या करना चाहते हैं, तो भले ही अभी आपको ये करने से पहले या करने के समय पर आपको मुश्किल भरा कार्य लगता हो, लेकिन बस एक बार इसको आप शुरू करें और जैसे ही आप इसको शुरू करेंगे, चाहे प्लानिंग करना या प्लानिंग पर कार्य करना, तो आप ये मान करके चलिए कि ये चीज़ें आपके लिए उतनी ही आगे चल करके आसान होती चली जाएंगी। कोई अगर प्रतियोगिता वगैरह में अगर आप कहीं बैठना चाहते हैं, शामिल होना चाहते हैं, किसी प्रतियोगिता का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो उसके लिए तो फिर आपको कठिन परिश्रम करके ही आप उसको क्वालिफाई कर पाएंगे। आपका जो मिलनसार स्वभाव है ये आपके लिए बड़ा लाभकारी रहेगा। आने वाले समय में लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे और इसी कारण से आपको कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है आने वाले समय में। उपाय आप करें, काले एवं सफेद तिल बराबर मात्रा में मिला लें और किसी चितकबरे नए कपड़े में बांध करके अपने पास रखेंगे तो आपका हेल्थ अच्छा रहेगा, मेंटेन रहेगा। शुभ रंग आपके लिए आज भूरा, शुभ अंक आपके लिए आज 9। मिथुन राशि यानी कि जेमिनी साइन। साथियों, लोन लेने के लिए अगर आप पहले से कोई प्रयास कर रहे थे, कोशिशें कर रहे थे, लेकिन आपको किसी भी कारण से सफलता नहीं मिल पा रही थी, तो आज इस बात की काफ़ी संभावना है कि आपके जो प्रयास हैं इनमें आपको सफलता मिल सके और आपको लोन वगैरह का जो कार्य है ये पूरा आपका बन सके। नवविवाहित जोड़े जो हैं, न्यूली मैरिड कपल, एक दूसरे को पूर्ण रूप से समय दे पाएंगे और एक दूसरे की कंपनी का एंजॉय कर पाएंगे।
और यही वो समय है कि जब आप एक दूसरे को समझने की भी कोशिश करेंगे। फिटनेस के लिए कुछ कारगर कदम आप उठा सकते हैं, जैसे कि एक्सरसाइज वगैरह करना डेली बेसिस पे। उपाय आप कर सकते हैं, भगवान शंकर जी के शिवलिंग पर अगर आप जल चढ़ाएंगे, जल से उनका रुद्राभिषेक करेंगे, तो पारिवारिक जीवन में आपके खुशियां जो हैं वो बढ़ेंगी। शुभ अंक आपके लिए है 8, शुभ रंग आपके लिए आज हल्का भूरा। कर्क राशि यानी कि कैंसर साइन। साथियों, आज के दिन आपके जो घर का माहौल है वो काफी शांतिपूर्ण रहेगा, इसकी अच्छी संभावना बन रही है, और आप काफी अपने आप को भी एक्साइटेड महसूस करेंगे, काफी उत्साहित रहेंगे आज। और जो घरेलू मोर्चों पर थोड़े समय के लिए पैसे की तंगी वगैरह की जो समस्या चल रही थी, बेशक उसको लेकर के थोड़ा बहुत आपको तनाव जरूर रहेगा, लेकिन वो भी समय के साथ साथ ठीक हो जाएगी, उसमें कोई आपको परेशान ज्यादा होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हाँ, एक बात जरूर आपको सीखनी चाहिए और करनी चाहिए, वह ये कि जो भी आपने पास्ट में मिस्टेक्स किया है, गलतियां किया है, जो भी हुई हैं आपसे गलतियां पूर्व में, उनसे कुछ लेसन जरूर लीजिए, ताकि आने वाले दिनों में, आने वाले समय में उन गलतियों की पुनरावृत्ति ना हो, रिपीटेशंस ना हो। उपाय आप करें, सफेद चंदन का आप तिलक लगाएं, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। शुभ अंक आपके लिए आज 6 और शुभ रंग आपके लिए बनता है आज हरा। सिंह राशि यानी कि लियो साइन। तो प्रिय साथियों, पेशेवर मोर्चे पर सफलता अगर आप हासिल करना चाहते हैं, तो जो उसके लिए आपने योजना बनाई हुई है, पूरा योजनाबद्ध तरीके से आप कार्य करें सुचारू रूप से, और अपना जो लक्ष्य है उसको सामने रख करके कार्य करेंगे, तो निश्चित रूप से सफल होंगे, कार्य भी आपके पूरे होंगे। आर्थिक मोर्चे पर संपन्नता रहने के कारण, यानी कि आर्थिक तौर पे फाइनेंशियली आप काफी स्ट्रांग रहेंगे, आज के दिन अच्छे कंफर्ट जोन में रहेंगे, और इसी वजह से कोई अच्छा, कोई वैल्यूएबल प्रोडक्ट भी आप खरीद सकते हैं अपने लिए। आज सामाजिक मोर्चे पर सक्रिय रहने की अधिक संभावना बन रही है आपकी, यानी कि सोशली आप काफी एक्टिव रहने की पॉसिबिलिटीज हैं। उपाय आप करें, स्त्रियों का आदर सम्मान करें, और उनकी भावनाओं को किसी भी तरीके से ठेस ना पहुंच पाए, इसका पूरा ध्यान रखें आपके वजह से। अगर आपने ये उपाय कर लिया, ये उपाय हैं, अगर आपने ये किया, तो निश्चित रूप से आपकी जो फैमिली लाइफ है, पारिवारिक जीवन, वो बेहतर होगा, सुखद होगा। शुभ अंक आपके लिए बनता है आज 5, शुभ रंग आपके लिए है ब्लूइश ग्रीन। कन्या राशि यानी कि वृगो साइन। साथियों, आपको बताना चाहेंगे, कहना चाहते हैं आपसे, आप कन्या जो राशि के जातक हैं उनको, कि देखिए सक्सेस जो है वो आपसे ज्यादा दूर नहीं रह गई है। आप अपने निरंतर इसी प्रकार जैसे प्रयास करते आ रहे हैं, करते रहिए, जल्दी ही आप सफल होंगे, सफलता का आप मुंह भी देखेंगे। और अपने सपनों के प्रति घर वालों का विश्वास पाना थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल भरा कार्य रहेगा यूं तो, लेकिन अगर चाहेंगे तो अल्टीमेटली आप ये भी कार्य पूरा कर पाएंगे। प्यार व्यक्त करने में आपकी जो अनिच्छा से सब कुछ व्यक्त हो जाएगा। देखिए, कहने का भाव यहां पर यह है कि जो भी प्यार आप किसी के प्रति अपना व्यक्त करना चाह रहे हैं, हालांकि आपकी ऐसी इच्छा नहीं है कि आप करें, ना चाहते हुए भी ऐसा हो पाएगा, हो जाएगा आपके द्वारा। और जहां तक हो सके, अगर आप कर सकते हैं तो स्थिति से बचने का प्रयास कर सकते हैं, इतना ही है, लेकिन इसकी संभावना भी बहुत कम है। स्वास्थ्य आपका आज सेटिस्फैक्ट्री रहेगा, संतोषजनक रहेगा। उपाय आप करें, तंदूर में मीठी रोटी बना करके कुत्ते को अपने हाथों से खिलाएं। ये ऐसा उपाय करने पर रोजगार या व्यापार में आपको निश्चित रूप से सफलता प्राप्त कराएगा ये उपाय। शुभ अंक आपके लिए आज 4, शुभ रंग आपके लिए मजेंटा। तुला राशि यानी कि लिब्रा साइन। देखिए साथियों, किसी भी करीबी इंसान के साथ, जिसके साथ आपकी अच्छी इंटीमेसी है, उसके साथ आप काफी रोमांटिक पल अपने व्यतीत कर सकते हैं आज के दिन, और इसकी आज के दिन से ही कुछ अच्छी हुई शुरुआत होने की संभावना बन रही है। और अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्रता कायम रखने में भी आप पूरी तरह से सक्षम रहेंगे। किसी से प्रभावित होकर के स्वास्थ्य के प्रति भी सजग होंगे, यानी कि किसी को अगर आप देखेंगे कि कोई एक्सरसाइज कर रहा है या जिम ज्वाइन कर रहा है, अपने स्वास्थ्य को लेकर के वो कितना सावधान है, कितना सचेत है,
उसको फॉलो करेंगे आप, कि ताकि आपका भी स्वास्थ्य कुछ इसी तरीके की एक्टिविटीज करके मेंटेन आप कर सकें, और जल्दी ही इसकी शुरुआत करना चाहेंगे आप। उपाय आप करें, सोते समय एक तांबे के पात्र में जल रखकर अगली सुबह घर के पास वाले किसी भी वृक्ष, किसी भी पेड़ की जड़ में आप उस जल को चढ़ा दें। यह आपकी सेहत के लिए अच्छा उपाय रहेगा। शुभ अंक आपके लिए आज 6, शुभ रंग आपके लिए आज सफेद। वृश्चिक राशि यानी कि स्कॉर्पियो साइन, साथियों आपसे बताना चाहेंगे कि आपका जो कार्यस्थल है, जो वर्क स्फियर है आपका, वहां पर कोई ऐसा आपका सहकर्मी जो आपके साथ कार्य करता है, जो आपका कलीग है, वो कुछ आज आपका कुछ अधिक समय खराब कर सकता है, व्यर्थ की चीजों में करवा सकता है आपका समय खराब, ये भी कहा जा सकता है। उसके कारण से आपका काफी समय नष्ट हो सकता है यूं ही, और उसी के वजह से जितना भी आपका शेड्यूल है आज का, वो सब डिस्टर्ब हो सकता है। तो ये आप ध्यान रखें कि आपका शेड्यूल जो आपने प्रोग्राम बनाया हुआ है, आपका प्लान किए हुआ है चीजों को लेकर के, कब आपने क्या कार्य करने हैं, तो वो ना डिस्टर्ब हो सके। इस बात का ध्यान रखें कि कोई ऐसा सहकर्मी आपको परेशान ना कर सके, और आपकी जो कलात्मकता का कोई पारखी आज मिल सकता है, यानी कि जो कला आपके अंदर है, जो गुण आपके अंदर हैं, जो एबिलिटी आपके अंदर है, जो ज्ञान आपके अंदर है, उसका कोई सही तौर पे उसको परखने वाला, जो ये सही असेसमेंट कर सके कि भाई ये व्यक्ति तो वाकई बहुत काम का व्यक्ति है, तो ऐसा कोई व्यक्ति आज आपको मिल सकता है, इसकी संभावना बन रही है। और शैक्षणिक मोर्चे पर मध्यम रफ्तार आपको अपने लक्ष्य से दूर कर सकता है, कि देखिए अगर आप छात्र हैं, शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, और अगर आपने उसको लेकर के थोड़ी सी भी लापरवाही की, तो आप अपने लक्ष्य से भटक सकते हैं। जो आपके टारगेट्स हैं कि मुझको इतने परसेंट मार्क्स चाहिए, या जो भी आप लेकर के चल रहे हैं माइंड में अपना प्लान, वो आपका सब गड़बड़ हो सकता है थोड़ी सी भी लापरवाही के कारण। उपाय आप करें, बाहर जाते समय केसर या हल्दी का तिलक अपने मस्तिष्क पर जरूर लगाएं, ऐसा करने पर आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। शुभ अंक आपके लिए आज 8, शुभ रंग आपके लिए आज लाल। धनुराशि यानी कि सेजिटेरियस साइन, तो धनुराशि के जातकों के लिए आज एक अच्छी बात ये नजर आती है ग्रहों के स्थिति को देख करके, कि आपका जो ऑफिस है, कार्यालय है, जहां पर भी आप कार्यरत हैं, वहां पर आपके जो कलीग्स हैं, वो आपके कार्य में काफी आपकी मदद कर सकते हैं, आपकी सहायता कर सकते हैं, जिसके कारण आपके जो कार्य हैं वो समय पर पूरे हो पाएंगे अच्छे तरीके से, अच्छे ढंग से, और कुछ पेंडिंग कार्य भी आपके जो पड़े थे, वो भी उनमें से भी कुछ कार्य आप अच्छी तरीके से पूरे कर पाएंगे। और दूसरी बात ये भी है कि अगर आप कहीं किसी भी सौदे को लेकर के आपकी बातचीत चल रही थी, किसी चीज को लेकर सौदेबाजी हो रही थी, कोई खरीदने की लेकर के, या कोई सेल या परचेज के रिगार्डिंग, तो आज ये जो डील जिसके साथ आपकी बातचीत चल रही है, और किसी ना किसी कारणवश वो डील फाइनल नहीं हो पा रही थी, आज के दिन आपकी ये पूरी कोशिश रहेगी कि इस डील को फाइनल करने के लिए अपने फेवर में आप जो भी कुछ कर सकते हैं मैक्सिमम, वो जरूर करें, ऐसा आपकी फीलिंग रहेगी। और आपके मन में किसी के प्रति जो चाहत है, उसे प्रभावित करने के लिए एक तरीके से आपकी कोशिश रहेगी कि आप इस चाहत को व्यक्त करें, मन के अंदर ना रखें, तभी दूसरे व्यक्ति को पता लगेगा कि आपके मन में क्या है क्या नहीं, तो मन के अंदर ना रखें। स्वास्थ्य आपकी प्राथमिकता में शामिल होगा, यानी कि स्वास्थ्य हेल्थ आपके लिए सर्वोपरि रहेगा। हेल्थ को ध्यान में रखते हुए जो भी आप करना चाहें वो जरूर करेंगे, ऐसी आपकी कोशिश भी रहेगी। उपाय आप करें, दूध एवं दही का सेवन करने से स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा। शुभ अंक आपके लिए आज 1, शुभ रंग आपके लिए हल्का लाल। मकर राशि यानी कि कैप्रिकॉन साइन, छात्रों से कहना चाहेंगे कि जो छात्र मकर राशि के हैं, वे आज अपनी एजुकेशन को लेकर के कुछ अच्छा परफॉर्म करने की उनकी संभावना दिखती है,
और सामाजिक मोर्चे पर आपके उचित सलाह का सम्मान किए जाने की भी अच्छी संभावना है। यानी कि सोशली जो भी आपसे कोई सलाह लेने आता है या आप उसको सलाह देते हैं, उसके कारण उनका लाभ हो सकता है, उनको लाभ प्राप्त हो सकता है, उनका फायदा मिल सकता है, जिसके कारण उनके दिल में आपके प्रति सम्मान की भावना और अधिक पैदा होगी। बिना किसी समस्या के आज आप किसी को उधार पैसा देना चाहें तो दे सकते हैं। आज आप इस पोजीशन में होंगे कि आप अगर कोई आपके पास आता है कुछ पैसे के लिए उधार मांगने, तो आप उसको दे पाएंगे। किसी का सकारात्मक असर आपको प्रभावित कर सकता है, यानी कि किसी भी ऐसे व्यक्ति की जो आपके आसपास है, उसकी पॉजिटिव सोच, सकारात्मक विचार से आप प्रभावित हुए बगैर नहीं रह पाएंगे। उपाय आप करें, दुर्गा माता जी के मंदिर में प्रसाद चढ़ा करके आप उसको, चाहे गरीब हो या अमीर, सभी में बराबर उसको बांटें, तो यह आपका पारिवारिक जीवन उन्नत होगा। शुभ अंक आपके लिए आज 9, शुभ रंग आपके लिए आज गुलाब, यानी कि गुलाबी रंग। अब आते हैं कुंभ राशि पर, यानी कि एक्वेरियस साइन। पेशेवर मोर्चे पर आप कुंभ राशि के जातकों की बात हो रही है कि पेशेवर मोर्चे पर जिम्मेवारियां कुछ अधिक बढ़ने की संभावना दिखती है, और सामाजिक मोर्चे पर आज के दिन आपको कोई फॉलो कर सकता है, आपकी नीतियों को, आपकी सोच को, आपके तौर तरीकों को। परिवार में किसी संपत्ति के मामले को लेकर के थोड़ा बहुत वाद विवाद की संभावना है, और किसी की गलत सलाह आपके लिए नुकसानदायक भी साबित होने की अच्छी संभावना है। उपाय आपके लिए है, तांबे के बर्तन में रात भर रखा पानी पीना स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद रहेगा। शुभ अंक आपके लिए 2 और शुभ रंग आपके लिए हल्का गुलाबी। अंत में मीन राशि, यानी कि पाइसिस साइन। साथियों, आपको मानसिक तौर पे पूर्ण रूप से आपके माइंड में चीजें क्लियर होनी चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए, हर चीज को लेकर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए। और अपने कार्य के प्रति भी आपके अंदर एक्साइटमेंट बनी रहनी चाहिए। साथ ही जो छात्र हैं उनको भी अपनी शिक्षा के प्रति पूरा लगाव और सिंसियरिटी के साथ करना है शिक्षा को प्राप्त। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपके रिजल्ट्स प्रभावित हो सकते हैं, छात्रों की बात कर रहे हैं। जिन लोगों को किसी से कुछ वित्तीय यानी कि फाइनेंशियली एड की जरूरत थी, उनका कार्य आज पूरा बन सकता है। घरेलू मोर्चे पर कोई सुखद और आश्चर्यजनक चीज घट सकती है, यानी कि कोई खराब नहीं, अच्छी कोई चीज। किसी के साथ प्रेम संबंधों में पड़ने के भी संकेत हैं आज के दिन। उपाय आप करें, हल्दी की जो गांठ होती है, केसर लें, पीला चंदन लें, पीली दाल लें, इसका अधिक सेवन करें अपने आज भोजन से संबंधित चीजों में। ऐसा करने पर हेल्थ अच्छा रहेगा। शुभ अंक आपके लिए आज 4, शुभ रंग आपके लिए आज हल्का नीला। तो साथियों, ये था आप 12 राशियों के जो जातक हैं, मेष से लेकर मीन तक, उनका दैनिक राशिफल, दिनांक 15 सितंबर सन 2022, दिन गुरुवार यानी बृहस्पतिवार, संवत 2079 का। प्रिय साथियों, अब समय आ गया है कि जब हम अपनी वाणी को विराम दें और अपने आप सभी प्रिय श्रोतागणों से भी लें इजाजत। तो इसी के साथ आप सभी का सह हृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।